सुबह की राम राम। आज का टॉपिक है आपका फेस योगा। तो फेस योगा हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, तो मैंने वही टॉपिक लिया है कि पंच तत्वों से ही हम फेस योगा करेंगे। सबसे पहला हम जल, तो जल को हमको क्या करना है कि हमने जल लिया, बॉटल हमेशा अपने पास रहती है हर किसी के पास, तो मैंने जल लिया और ये इसको मैं 3 बार में खत्म करूँगी। आप 5 बार भी कर सकते हो, हमारे पास समय कम होता तो मैं प्रतिदिन अपने स्टूडेंट्स से 3 बार करवाती हूँ। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, अब मुंह में पानी तो बोल तो सकती नहीं हूँ, तो बाद में बोल देती हूँ। मैंने पानी लिया मुंह में और मैंने उसको पुलिंग की, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह पुलिंग करना है आपको। और उसमें क्या होगा, आपकी मसल धक्का मारेंगे ऊपर नीचे। तो ये मेरी लाइनिंग्स, यहाँ से लाइनिंग्स आ गई थी जो कि मैंने, जो परमानेंट है, मतलब इसको मैंने अपनी क्लास में ही ऐड कर दिया और क्लास के दौरान मैं रोज करने लग गई, तो जिसके वजह से मुझे अब नज़र आता है कि मेरी ये लाइन जो है वो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे कसाव सी होने लग गई है। तो प्लीज़ करना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वाकई। वीडियो बनाने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बना रही हूँ मैं, वैसे ही वीडियो दे दिया करती हूँ, कोई लिंक नहीं देती आप लोगों को। तो इसको हमें करना है 3 से 5 बार और कम से कम 20 बार आपको पुलिंग करनी है, जैसे कि इस तरह से 20 बार धक्का मारना है। 20 काउंटिंग तक आपको बहुत तेज मुस्कुराना है। कैसे मुस्कुराएंगे, पानी मुंह में रहेगा मुस्कुराते हुए। अब जब पानी मुंह में है और मुस्कुराना है और तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे लगेगा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाद में उसी पानी को आपको निगल लेना है, ओके। जैसे मैं मुस्कुराते हुए दिखाती हूँ, ओके। इसको मैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए नहीं बता रही और ज्यादा। और सेकंड नंबर पे है हमारा वायु। तो वायु में हमें क्या करना है कि पूरे क्लास में जितनी वायु है आपको, जैसे आपके इस पर सुपर पावर आ गई हो, आप पूरी वायु को सक कर लें, ठीक है। कैसे, पूरी वायु को आपको पहले तो लेना है, भरना है मुंह में, और फिर उसके बाद जितनी वायु आपने भरी उससे दुगनी वायु आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसको भी आपको 3 से 5 बार करना, प्रतिदिन करना है, बल्कि 2 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो तीसरा है हमारा अग्नि। अग्नि के लिए हमें क्या करना है, कई लोग कहते हैं कपालभाति है क्या ये, नहीं कपालभाति नहीं है, फेस की योगा है, ठीक है। यही सोच के करना है, ये सोच के नहीं करना है, कपालभाति हो गया। हंड्रेड टाइम 20 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट कर दो, और जब आपको लगे कि हाँ फायदा हो रहा है यार, अच्छा अच्छा फेस हो रहा है, बहुत टाइट टाइट सा, तो इसको बढ़ा दो, ठीक है। ये हमें करना है, ये भी हमने 3 बार कर लो, 20-20 के 3 सेट कर सकते हो, नहीं तो 100 कर लो। चौथा है हमें पृथ्वी। पृथ्वी में क्या होता है, हमें खाद्य सामग्री पृथ्वी से ही मिलती है, खाना है। इसको भी हमको 20-20 के 3 सेट कर लो या 100 बार, कोई ऐसी चीज आपको महसूस करते हुए खाना कि बहुत टाइट है, उसको में हमें मेहनत लग रही है, तो उसके साथ में आपका पूरा जबड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, दांत बहुत मजबूत रहेंगे, जबड़े बहुत मजबूत रहेंगे, आपकी फूड पाइप है, आपकी श्वास नली है, आपकी आंख नाक कान गला पूरी तरह से एकदम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसकी सारी मसल्स आपकी बहुत अच्छी सी स्ट्रेच हो रही। और पांचवा है हमारा आकाश के लिए, तो हमें स्ट्रेचिंग करनी है, तो नीचे वाले लिप्स को ऊपर वाले लिप्स में चढ़ा देना है, आकाश की तरफ देखना है, 20 काउंटिंग तक रुकना है, उसके बाद आपको फिर दोहराना है। कैसे,
फिर वापस, इसी तरह से आपको 3 बार करना है, ये हो गया। और आपको सिंहासन तो करना भूलना नहीं है, अगर आप योगी हैं तो सिंहासन अवश्य करें। सिंहासन से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, एक तो आपकी गर्दन में कभी भी झुर्रियां नहीं आएंगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि गर्दन से हमारी एज नजर आती है। आप जैसे पहुंचे नहीं 48 में और आपके यहाँ पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सिंहासन के लिए आपको आराम से बैठ सकते हो, ट्राई करना, आराम से बैठोगे दोनों हाथों के ऐसे, दोनों घुटनों में गैप। लास्ट में थोड़ी देर के लिए रोकना है अपने आप को, और कंपन होने लग जाता है हमारी फेस में, हमारी गर्दन में, फिर भी रोक कर रखना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताई 6 अपनी योगा वाली एक्सरसाइज है, और बाद में हम मसाज बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, बाय बाय।